सो गाइस यार, आज हम जानने वाले हैं कि जितने भी इंचांटमेंट बुक्स होती हैं वो कैसी रहती हैं, और मतलब कि वेपन्स पे, आर्मर पे कौन कौन सी इंचांटमेंट बुक्स लग जाती हैं और उनका काम क्या होता है यार आखिर में। तो फटाफट से चलते हैं और जानते हैं। लेकिन ये जो मैंने कारपेट बिछाया ना इस हरी पत्ती का, ये काफ़ी शानदार दिख रहा है यहाँ पे। तो यार फर्स्ट नंबर पर हम आ चुके हैं और ये जो है इंचांटमेंट बुक्स, ये ऑल पर्पज़ के लिए। तो देखते हैं कौन सी। ओके, तो फर्स्ट नंबर पर है मेंडिंग, सेकेंड पे अनब्रेकिंग, एंड थर्ड पे है कर्ड्स ऑफ फिनिशिंग। फर्स्ट नंबर पे मेंडिंग हम जानते हैं। मेंडिंग हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोई से भी हमें आर्मर को, वेपन को रिपेयर करना रहता है तो वो जो भी एक्सपीएम इकट्ठा करते हैं उससे की मदद से रिपेयर हो जाता है। अनब्रेकिंग हम तब लगाते हैं जब हमको मतलब इंक्रीज करना हो ड्यूरेबिलिटी किसी वेपन की या फिर आर्मर की, मतलब कि ज़्यादा टाइम पर चल पाए। और इस ये जो रहता है इसकी मतलब तीन लेवल है, अनब्रेकिंग की और मेंडिंग की सिर्फ एक लेवल है। मतलब कि आप अनब्रेकिंग को तीन तक आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अनब्रेकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड। और कर्ड्स ऑफ वेनिशिंग आती है आइटम डिस्ट्रॉयड अपॉन डेथ। सो इसकी जो लेवल है ये है वेनिशिंग वन, ये भी फर्स्ट तक ही रहती है। तो अब चलते हैं हमारे इस आर्मर की तरफ। सो गाइस, आर्मर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी 12 बुक्स हैं। मतलब कि यहाँ पे पूरी की पूरी 12 आपको देखने को मिल जाएंगी इंचांटमेंट बुक्स। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है यहाँ पे एक्वा एफिनिटी। सो एक्वा एफिनिटी का काम है इंक्रीज करना आपका अंडर वाटर माइनिंग का जो मतलब टाइमिंग है उसको इंक्रीज करना, एक्वा एफिनिटी का ये काम है। तो आप इसको अपने हेलमेट में लगा सकते हैं। एंड सेकेंड है हमारे पास ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4। इसकी जो मतलब आखिरी लेवल है ये 4 तक आती है। तो ब्लास्ट प्रोटेक्शन आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये रिड्यूस करता है एक्सप्लोजन डैमेज एंड नॉकबैक। मतलब कि अगर कोई आपको आके मारता है, एक्सप्लोजन करता है आपके पास में, सो आपको इससे बचा लेगा ब्लास्ट प्रोटेक्शन। फिर आता है कर्स ऑफ बेंडिंग, आइटम कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम आर्मर स्टैंड। तो ये रिवो इसकी बस एक ही लेवल है। एंड फिर डेप्थ स्ट्राइडर, डेप्थ स्ट्राइडर वो होती है जैसे कि आप बुक देख सकते हैं, वैसे सारी बुक की शक्ल तो एक जैसी, लेकिन मैं आपको इसलिए सारी निकाल के बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे इसमें एक्सपी मतलब वो लेवल्स लिखी हुई है कि कितनी लेवल तक ये जा सकता है। सो या डेप्थ स्ट्राइडर है ये तो पूरी 3 लेवल तक है। तो इसका काम क्या होता है, इंक्रीज करना आपके अंडर वाटर मूवमेंट स्पीड को। सो ये आपके इसी काम में आएगा। सो अब बात कर लेते हैं फीदर फॉलिंग की, जो कि मैंने अपने इसमें ले ली है। फीदर फॉलिंग अपनी आखिरी 4 स्टेज तक जाती है, मतलब इसके आखिरी 4 लेवल होते हैं। फीदर फॉलिंग रिड्यूस करती है फॉल डैमेज को। तो ये सब तो आप जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। एंड देन अब बात करते हैं हमारी इस बुक के बारे में, जो कि है फायर प्रोटेक्शन। और फायर प्रोटेक्शन भी आप जानते हो कि बड़ी ही कॉमन सी इंचांटमेंट बुक है। ये रिड्यूस करती है फायर डैमेज एंड बर्न टाइम को, मतलब कि जब भी आप जलते हैं लावा से जले या किसी भी चीज़ से, तो ये आपको बचा सकता है, जो कि है फायर प्रोटेक्शन। एंड फायर प्रोटेक्शन की जो लेवल है 4 तक रहती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रॉस्ट वॉल्कर की, जो कि सेकेंड है, मतलब इसकी लेवल पूरी 2 है। और ये चेंज और जो फर्स्ट वॉल्कर रहती है वो चेंज करती है जो वाटर को आइस में चेंज कर देती है, एंड आपको मैग्मा ब्लॉक से भी बचाती है। सो या और फिर बात करते हैं हम प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन की, जो कि ये है, ये पूरी 4 लेवल तक चली जाती है आखिरी में, और ये रिड्यूस करती है प्रोजेक्टाइल डैमेज को। एंड इसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन 3 के बारे में। और रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन एक्सटेंड करता है आपके अंडर वाटर ब्रीथिंग टाइम को। इसकी लेवल पूरी 3 तक है। सो अब हम बात कर लेते हैं सोल स्पीड 3 के बारे में। और सोल स्पीड 3 क्या करती है यार, इंक्रीज करती है आपकी वॉकिंग स्पीड को। जो अगर आप सोल से इंडिया सोल सोल पर चलते हैं तो आपकी स्पीड बड़ी धीमी हो जाती है, तो इसी से आपको बचाने के लिए ये सोल स्पीड वाली बनाई गई है इंचांटमेंट बुक, जिसे आप अपने बूट पर लगा कर बहुत तेज स्पीड पर चल सकते हैं। सो बात कर लेते हैं थ्रोन के बारे में, थ्रोन 3, इसकी लेवल आखिरी है। सो ये लेवल 3 तक जाती है। और थ्रोन से आपको ये होता है कि अगर कोई आपको बंदा मारता है आगे से तो उसको भी डैमेज जाता है, और इसके रिड्यूसिंग मतलब ये रिड्यूस भी करता है कि आपको कुछ कोई मारे तो आपको थोड़ी कम लगे ऐसा। सो या अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हाँ डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। गुड बाय।